दोस्तों बॉलीवुड में हर साल कई एक्टर्स डेब्यू करते हैं, किसी को सक्सेस मिलती है किसी को नहीं मिलती, लेकिन कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जो अपने छोटे से करियर में अपना छाप छोड़ जाते हैं, चाहकर भी लोग उन्हें भूल नहीं पाते हैं। उनकी एक्टिंग दिलो दिमाग में बस गई होती है। आज हम बात करेंगे 90 के दशक की एक ऐसे एक्टर की जो भले ही बॉलीवुड छोड़ दिया हो लेकिन उनकी एक्टिंग लोगों के जहन में बसी हुई है। आज हम जानेंगे कि कैसे ये एक्टर बॉलीवुड छोड़ते ही इनकी किस्मत पलट गई। दोस्तों बॉलीवुड को करीब से जानने वाले लोग अभिनेता शरद कपूर से जरूर वाकिफ होंगे। ये शानदार एक्टर फिल्मों में अक्सर विलेन के रूप में ही नजर आया करते थे। क्या आपको पता है कि बॉलीवुड वालों ने इनकी कीमत नहीं समझी और इनका करियर बर्बाद हो गया। मगर एक्टिंग छोड़ते ही शरद कपूर ने ऐसा क्या किया कि इनकी किस्मत रातों रात चमक गई थी। जो एक्टर एक रोल के लिए तरसा करता था वो आज कामयाबी के सातवें आसमान पर दौड़ रहा है। चलिए हम आपको शरद के फिल्मों में आने से लेकर उनकी सफलता की दिलचस्प कहानी आपको सुनाते हैं। मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं रियल एंड रियल बायोग्राफी। दोस्तों कोलकाता ने हिंदी सिनेमा को कई बेहतरीन एक्टर्स दिए, शरद कपूर भी उनमें से एक रहे हैं। 13 फरवरी 1976 को जन्मे शरद के पिता बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। उनके दो भाई गौतम और दीपक पिता के साथ बिजनेस संभाला करते थे। फिर शरद कैसे फिल्मों में पहुंच गए, चलिए हम आपको बताते हैं। हुआ यह कि शरद की पढ़ाई लिखाई और बचपन कलकत्ता में ही बीता। इनका बचपन से एक शौक था फिल्में देखने का। स्कूल में जब इंटरवल होता तो चुपचाप निकल लेते सिनेमा हॉल, आधी फिल्म देखकर छुट्टी से पहले वापस स्कूल लौट आते। फिल्मों का शौक उस दिन एक्टर बनने की दीवानगी में बदल गया जब इन्होंने पहली बार स्टार्स का जलवा देखा था। साल था 1986 और वो 10 साल के रहे होंगे। सिनेमा हॉल में एक्टर्स को देखकर वे सोचते थे कि शायद 100 फीट के होते होंगे। मगर 1986 में कलकत्ता में सीएम ज्योति बसु ने एक बड़ा इवेंट करवाया था, नाम था होप 86। मिथुन चक्रवर्ती, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर एक से बढ़कर एक बॉलीवुड कलाकार वहां पहुंचे। शरद ने पहली बार उनको सामने से देखा। लाखों फैंस के बीच पुलिस के धक्के खाते शरद की आंखें अभिनेताओं का जलवा देखकर हैरान हो गए। बस उसी दिन से फैसला कर लिया कि अब तो बंबई जाना है और एक्टर ही बनना है। कुछ साल पढ़ाई की और फिर साल 1993 में पिता से बोल दिया कि बंबई जाना है एक्टर बनने। पिता हैरान, बोले क्या खाओगे कहाँ रहोगे, और ये बात तो खुद शरद को भी पता नहीं थी। खैर पिता ने मंजूरी दे दी और शरद निकल पड़े बंबई, यानी कि आज का मुंबई। मगर 6 महीने बंबई के धक्के खाकर हकीकत पता लगी तो वापस कलकत्ता चले आए, लेकिन माया नगरी का नशा रह रहकर हिलोरे मारने लगा तो फिर से बंबई जाने का मन बना लिया। 1994 में फिर से निकल पड़े हीरो बनने और सोच लिया कि इस बार तो कुछ बनके ही दिखाना है। मुंबई पहुंचे तो इस बार वहां हर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के ऑफिसों के चक्कर लगाए। पूरा साल बीत रहा था मगर कोई काम नहीं, हार कर वापस कलकत्ता आने की तैयारी में थे। तभी किस्मत ने हल्के से दस्तक दी। दूरदर्शन पर एक सीरियल शुरू हो रहा था, शरद ने भी ऑडिशन दिया और नसीब ने साथ दे दिया। इनको पहली बार टीवी शो मिला, नाम था स्वाभिमान। शरद इसमें छोटे से किरदार में नजर आए मगर यह सीरियल ही अभिनेता के करियर में न्यू साबित हुआ। इस सीरियल में भले ही उनका छोटा सा रोल था मगर सीरियल के डायरेक्टर महेश भट्ट की जौहरी वाली नजरों ने इस हीरे को पहचान लिया। कुछ महीनों के बाद एक दिन शरद स्टूडियो के बाहर खड़े थे और अंदर बैठे महेश भट्ट की नजरें उन पर पड़ी तो भीतर बुला लिए। महेश भट्ट बोले फिल्मों में काम करोगे। उनके ऑफर को सुनते ही शरद ने फौरन हाँ कह दी। महेश भट्ट उस समय 2 फिल्में बना रहे थे, इनमें से एक बेटी पूजा भट्ट को लेकर बन रही तमन्ना फिल्म में साजिद खान का किरदार उनको दे दिया। शूटिंग पर उनकी एक्टिंग से खासे प्रभावित हुए तो फिर बुलाया और बोले एक और फिल्म है मगर किरदार नेगेटिव है, करना चाहोगे। हीरो बनने आए शरद ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दी। एक साथ ही महेश भट्ट की 2 फिल्मों में काम करने लगे और इत्तेफाक की बात है कि उनकी पहली फिल्म तमन्ना थी लेकिन पहले रिलीज हो गई दूसरी, जिसमें सुष्मिता सेन बॉलीवुड में पहली बार कदम रखने जा रही थी, नाम था दस्तक। 1996 में आई ये फिल्म शरद की पहली फिल्म बन गई। इसमें साइको युवक की नेगेटिव भूमिका में शरद लोगों को भाग गए और उनकी गाड़ी चल पड़ी। अगले साल तमन्ना भी रिलीज हो गई, फिल्म मेकर्स के नजरों में भी वे आ गए, उनको फिल्में मिलने शुरू हो गई। लेकिन एक बार फिर किस्मत धोखा दे गई। शरद को जो अच्छे बैनर की फिल्में मिली वो पूरी बन ही नहीं पाई और वही जो उनकी फिल्में रिलीज हुई उनके रोल को काट छाट कर दिया गया था।
आंखों में तुम हो, इसकी टोपी उसके सर, लाल सलाम, टाडा, हथियार और चाह जैसी कई फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की, मगर जिस फिल्म के लिए आज भी याद किए जाते हैं वो साल 2000 में आई। हुआ ये कि डायरेक्टर मंसूर खान एक फिल्म बनाने जा रहे थे। शाहरुख खान और आमिर खान दोनों पहली बार साथ आने वाले थे। दोनों को अलग अलग गैंग का किरदार निभाना था जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, मगर जैसे ही आमिर खान ने स्क्रिप्ट देखी उनको लगा कि शाहरुख खान का किरदार उन पर भारी पड़ रहा है। उन्होंने फौरन रोल के लिए मना कर दिया। अब ये रोल मंसूर खान ने भारी मन से शरद को दे दिया। साल 2000 में आई जोश फिल्म। चंद्रचूड़ सिंह के गैंग लीडर भाई प्रकाश की भूमिका में शरद ने कमाल कर दिया। कई सीन्स में तो शाहरुख खान पर भी ये भारी पड़ते नजर आए। इसके बाद वो जाने दुश्मन, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, LOC, कारगिल और लक्ष्य जैसे फिल्मों में भी ये नजर आए। मगर दोस्तों, इतने शानदार अभिनेता का बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं था। इसी वजह से इनको धीरे धीरे काम मिलना बंद हो गया। जो भी फिल्में मिलती उनमें रोल इतना छोटा होता कि ना अच्छी कमाई होती और ना ही लोग याद रख पाते, और इसी वजह से कुछ सालों के बाद भारी मन से शरद ने एक्टिंग छोड़ दी। मगर जिसको बॉलीवुड वालों ने फ्लॉप कर दिया वो एक्टर कैसे दूसरे काम से सुपर हिट हो गया, चलिए ये बताते हैं। शरद की कामयाबी का सफर कोलकाता से शुरू हुआ। वो मुंबई छोड़कर वापस कोलकाता चले आए और अपना बिजनेस करने की योजना बनाए, मगर पता नहीं था कि क्या होने वाला है। शरद ने फूड बेचना शुरू कर दिया। फिल्मों में कमाए पैसों से कोलकाता में एक बड़ा रेस्टोरेंट खोला। शरद की किस्मत अचानक पलट गई। रेस्टोरेंट कुछ ही समय में उम्मीद से कई गुना तेजी से दौड़ने लगा, जैसे कोई जैकपॉट लगा हो। अप्रत्याशित सफलता मिली तो शरद का हौसला बढ़ गया। उन्होंने अपने भाइयों के साथ बिजनेस बढ़ाया और मुंबई में भी एक शानदार रेस्टोरेंट खोला। नसीब तो अब जैसे शरद का ही साथ दे रहा था। मुंबई वाला रेस्टोरेंट कोलकाता से भी ज्यादा मशहूर हो गया। फूड बिजनेस ने इनकी किस्मत पलट के रख दी और उनको मालामाल कर दिया। शरद ने अपना बिजनेस बैंगलोर तक बढ़ा लिया। वहां भी एक शानदार रेस्टोरेंट खोला। बैंगलोर से तो नसीब और चमक उठा। जिसे बॉलीवुड वालों ने कुछ नहीं समझा, आज अपने बिजनेस के दम पर वो शरद कपूर करोड़ों में खेल रहे हैं। अब वो राजस्थान से लेकर गोवा तक बिजनेस फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे पर्सनल लाइफ की बात करें तो शरद कपूर ने पश्चिम बंगाल के पूर्व CM ज्योति बसु की पोती कोयल बसु से शादी की है। दोनों की पहली मुलाकात होटल ग्रैंड ओबेरॉय में हुई थी। साल 2008 में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी हुई। वैसे शरद आखिरी बार साल 2014 में फिल्म जाय हो में नजर आए थे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना है। जोश फिल्म में शरद कपूर का किरदार आपको कैसा लगा था आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।